जय हिंद साथियों, न्यूज़ प्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम गोवंडी शिवाजी नगर रोड नंबर 2 रिलेबल फाउंडेशन के ऑफिस में मौजूद है। रिलेबल फाउंडेशन के साथ में कई और भी फाउंडेशन मौजूद है जिन्होंने एक पहल की है कि गोवंडी शिवाजी नगर को नशा मुक्त बनाना है। इस विषय पर इन लोगों ने एक भूख हड़ताल की मुहिम छेड़ी है। इस भूख हड़ताल का मकसद क्या है, हम जानना चाहेंगे उन लोगों से। भूख हड़ताल का मेन मकसद है कि यहाँ पे जो नशा बढ़ रहा है उस नशे को हमको कहीं ना कहीं ख़त्म करना है, मिटाना है, एक पहल करनी है, शुरुआत करनी है। कोई किसी भी चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, तो ये हमको नशा मुक्ति की तरफ ये हमारी शुरुआत है। हम चाहते हैं कि गोवंडी में से नशा निकल जाए, मिट जाए, और जैसा बाकी इलाकों में हम देखते हैं, हम कहते हैं ना कि इंसान को एक स्वच्छ एनवायरनमेंट का हक है, ही हैज़ अ राइट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ही हैज़ द राइट फॉर प्योर एटमोसफियर, तो ये हमको गोवंडी वालों को भी चाहिए। मैडम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने एक चीज़ देखा है, नोटिस किया है, जहाँ वो मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम इलाका है, वहाँ पर नशे की चीज़ें बहुत आसानी से मिलती है, और यही कोई अगर नॉन मोमेडन एरिया है तो आपको गुटखा भी नहीं मिलेगा, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर तो ये हमारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है उनका फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, वो नहीं काबू कर पा रहे इस चीज़ों पे। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ पे ऐसा है ना कि वी कैन से बिलो पॉवर्टी लाइन वाले ज़्यादा रहते हैं, तो वो क्या होता है, नशा बेचने वाले और करने वाले हम में से ही है, तो हम लोग नेता या फिर मैं बता रही हूँ कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, सुबह उठना है, काम पे जाना है, वो दो टाइम के खाने का वो भागते हैं, पेरेंट्स तो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में जाके नशे की ओर जा रहे हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण माँ बाप बच्चों को अच्छी तालीम या अच्छी शिक्षा ना दे पाने की वजह से ऐसा हो रहा है? पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन पे पूरा हम नहीं बोल सकते कि पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। ऐसे तो फिर ओवर पॉपुलेटेड बहुत सारे ऐसे विधानसभा है जहाँ आप देखेंगे बेरोजगारी है, हाँ, इंसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो ये किसका फेलियर है? यहाँ की सरकार का भी फेलियर जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका फेलियर है, वो ड्रॉपआउट्स की गिनना कम नहीं हो रही है, इलिटरेसी ज़्यादा बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, तो ये फेलियर किसका है? जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका ही फेलियर है, और यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है उसका फेलियर है, जो क्रब नहीं कर पा रहा है, क्राइम को क्रब नहीं कर पा रहा है, नशे को क्रब नहीं कर पा रहा है, दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। ऑन एन एवरेज पूरे मुंबई का क्राइम रेशियो देखेंगे और गोवंडी का देखेंगे तो एक मंथ में गोवंडी में जितना क्राइम होता है, ऑन एन एवरेज पूरे साल में मुंबई में वो क्राइम होता है। तो टोटल फेलियर ऑफ अथॉरिटीज़, रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड मेम्बर्स। जैसा कि मैडम आप एक महिला होकर एक इतनी बड़ी मुहिम में शामिल हुई हैं, तो आप और भी महिलाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी कल के जो आंदोलन के बारे में? मैं एक महिला हूँ प्लस एक माँ भी हूँ। जी जी, मेरा खुद का बच्चा है 25 साल का, तो एज अ माँ, एक महिला तो हूँ लेकिन माँ की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही तड़प, ये बहुत ज़्यादा तड़प मेरे में हुई, क्योंकि मैंने ना जो अहमद का मर्डर हुआ उसकी माँ को देखी, तो मैं अपने आप को वहाँ पे मतलब एक इमेजिन कर रही थी कि ये मेरे घर तक हो सकता है, ये और किसी माँ के साथ भी हो सकता है, तो वो तड़प ने मुझे लगा कि नहीं ये रुकना चाहिए, और उस हिसाब से ये जो मतलब जो पूरा प्लान हुआ था, फिर उसके बाद हम सब मिले और हमने ये मुहिम छेड़ी। और मैं हर एक माँ से, गोवंडी की हर एक माँ से, पूरे मुंबई की हर एक माँ से यही गुहार लगाऊंगी कि अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, हो सके तो हमारी मुहिम में आइए, शिरकत कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि जो डर है हर माँ के दिल में वो निकल जाए। मतलब माँ को लगता है मेरा बेटा बाहर जा रहा है, पता नहीं कौन सा नशेड़ी उसको नशा खिला रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये डर से हमको निकलना है, हमको इससे निजात चाहिए। एक लड़की जाती है बाहर तो डर माँ को लगा है, अरे मेरी बेटी बाहर जा रही है, नशेड़ी है, क्राइम क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, तो वापस आएगी तो क्या होगा उस पर, तो ये डर के जो माहौल में एक माँ जी रही है गोवंडी में, इससे निजात चाहिए। और उसके लिए एक माँ होने की वजह से, एक औरत होने की वजह से मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज़ को, और इसीलिए मैं इसमें इन लोगों का साथ दे रही हूँ। हमारे साथ मेहराज अंसारी जी भी मौजूद थे, अभी हमारे साथ में अतीक सर मौजूद है जी, वो एक प्रोफेसर भी है और बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्होंने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका यह मकसद क्या है ये इस मुहिम को छेड़ने के लिए। मकसद साफ है कि गोवंडी जो है नशा मुक्त हो और लिटरेसी की तरफ जाए, क्योंकि किसी भी कौम को बचाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो तालीम होती है, और हमारा यही मकसद है कि जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे, जो एडोलेंस हैं, जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे हैं, वो नशे के अंदर चले जा रहे हैं, ड्रॉप आउट्स होने की वजह से उनकी तालीम रुक जा रही है,
और तालीम रुकने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं, हम लोगों को 10 से 15 साल के बाद ये नशे का, जो बच्चे हमारे नशे में पड़ गए हैं, इसका असर समझ में आएगा कि हमारी नस्लें जो हैं वो ख़त्म होने की कगार पर आ जाएंगी। क्योंकि ये जो बच्चे नशा करते हैं ये शादी ब्याह के लायक नहीं बचते हैं और आगे नस्ल चलाने के लायक नहीं बचते। तो इस कौम को बचाने के लिए, कौम की नस्लें बचाने के लिए बच्चों को नशे से छुड़ाकर तालीम देना, यही एक उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम सब जुड़कर जितने अतीत जी, बहुत बड़ा सवाल है मेरे मन में और काफ़ी लोगों के दिल में है कि ऐसा मुमेडियन इलाके में ही, क्योंकि नशे की चीज़ों को इतना बढ़ावा दिया जाता है कि मतलब अच्छे से ग्रोथ होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं भुईवाड़ा गया था, भुईवाड़ा में मतलब नॉन मुमेडियन एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर दूर दूर तक एक पान पट्टी नहीं है और यहाँ पर हर जगह हर गली में गांजा जैसा चरस जैसा अमली पदार्थ मिलते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जहाँ पर मुस्लिम आबादी है वहाँ पर नहीं, कुलाबा में भी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर शायद आपको नशा नहीं मिलेगा। जहाँ स्लम है वहाँ नशा है और स्लम में नशा बिकता जो है, बेचने वाले भी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 90% जो है इसके डीलर जो है मुस्लिम हैं। और जहाँ मुस्लिम इलाके में जो MLA MP और नगर सेवक, MP को छोड़ दीजिए, MLA और नगर सेवक होंगे, सारे मुस्लिम मिलेंगे आपको। पुलिस स्टेशन के ऊपर प्रॉपर दबाव नहीं बन पाता है लोगों को, माँ बाप को भी चाहिए कि थोड़ा ख्याल रखे, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ये ट्रायंगुलर जिम्मेदारी बनती है, एक फैमिली की, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन की और तीसरा जो समाज जो आपको दे रहा है। तो समाज में इतना ईजी अवेलेबल जो चीज़ होती है वो मिल जाती है। आज गोवंडी के अंदर मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे ग्रेजुएशन की बुक परचेस करनी है या UPSC या रेलवे की एग्ज़ाम के लिए मुझे बुक परचेस करनी, तो मुझे यहाँ से या तो दादर जाना पड़ता है या तो चेंबूर जाना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे दुनिया का कोई भी नशा चाहिए तो गोवंडी में मिल जाता है, ये ईजी, क्योंकि ईजी अवेलेबल, और ईजी अवेलेबल होने की वजह से बच्चे जो हैं उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसकी चेन को तोड़ना पड़ेगा, जो ईजी अवेलेबल चीज़ें और जो पढ़ाई उड़ाई की चीज़ें हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, उसको ईजी अवेलेबल करके देना पड़ेगा ताकि उससे बच्चों का स्ट्रेस कम हो। सर, आप यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करते हो और बच्चों को शिक्षा देते हो, तो आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो नशे का, जो नशे में जो बच्चे मतलब इन्वॉल्व हो रहे पूरी तरीके से, उसका कारण क्या हो सकता है? इसका देखिए साइकोलॉजिकल एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल कारण एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ये बस्ती जो है गरीबों की बस्ती है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यहाँ पर रहता है, 200-300 रुपए रोज़ की आमदनी है, जिसमें घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, घर के ऐसे हालात को देखकर उनको स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, इलीगल स्कूल्स भी हैं, वो चार्जेस इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, फीस उनकी इतनी ज़्यादा है जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा पेरेंट्स जो है वो फीस नहीं पे कर पाते हैं, उसकी वजह से उनका जो है एजुकेशन रुकता है, वो स्ट्रेस में आते हैं। और जो प्ले ग्राउंड होने चाहिए वो प्ले ग्राउंड को इतना ख़राब करके रखा गया है नशेड़ियों का अड्डा बनाकर। देखिए, जितने भी ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड में आप जाइए, कहीं पर भी आपको सिपाही नजर नहीं आएगा, बिल्कुल CCTV कैमरा नजर नहीं आएगा, लाइट नजर नहीं आएगी, जबकि तो, वो गार्डन खेलकूद के लिए बना गया, खेलकूद के बजाय कुछ और ही हो रहा है। 9-10 लाख रुपए साल के उसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? तो ये जो बच्चे हैं वहाँ जाकर बैठते हैं और नशेड़ियों के कांटेक्ट में आ जाते हैं और स्ट्रेस में बैठकर फिर वो साइकोलॉजिकली। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो स्कूल वाले हैं, जो कमाने का एक जरिया बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब एक एजुकेशन का मंदिर, तो उसके नाम पर यहाँ पे लोग मोटी रकम कमा रहे हैं, तो उन लोग पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए? पैसे नहीं चाहिए, डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई करे कौन? अगर स्कूल इलीगल चल रही है और इतना ज़्यादा वो फीस चार्ज कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। देखिए, हमारे यहाँ पर कॉरपोरेटर को समझ लिया जाता है कि कॉरपोरेटर गली और नाली बनाने के लिए, लेकिन हर BMC स्कूल में कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी है स्कूल भरने के समय और स्कूल छूटने के समय वहाँ पर हाजिरी देवे। मैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कितने कॉरपोरेटर सुबह सोकर स्कूल में जाते हैं? सुबह उनकी रात उनकी 4 बजे होती है, सुबह 2 बजे होती है, तो ये सुबह स्कूल में जाकर क्या देखेंगे? तो जहाँ पर अथॉरिटी ने क्वेश्चन करना चाहिए, वहाँ पर क्वेश्चन करने वाला नहीं है। एक जंगल राज की तरह बना हुआ है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, नेता को कोई सवाल करने वाला नहीं है और नेता किसी से सवाल करने वाला नहीं, इसलिए सारा जो है वो एक जंगल राज की तरह चल रहा है, जिस वजह से पूरा का पूरा गोवंडी का माहौल खराब हो चुका है। अतीत सर, यहाँ के जो यंग जनरेशन है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? भाई, मैं यंग जनरेशन को एक ही चीज़ कहूँगा कि आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ शोभा देती है और वो पूरी दुनिया से आपको जिता सकती है, वो कलम है। और दूसरा, ना नशा करो ना वार करो, करना है तो सिर्फ प्यार करो, और प्यार की निशानी कलम है, आपके हाथों में कलम होनी चाहिए और कलम आपका श्रृंगार होना चाहिए। मैं हमारे साथ मेहराज अंसारी जी भी मौजूद है। मेहराज अंसारी जी, आपके घर से कुछ ही दूर पर कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चे की हत्या की गई, उसका कारण बताया जा रहा है कि नशा
तो उस बारे में आप हमसे क्या बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, जबकि आप वहाँ पे करीबी हैं, वहाँ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है? देखिए, मेरे घर के सामने ही हुआ है वो, बच्चा हमेशा उधर ही रहता था। इनके आपस के छोटे मोटे झगड़े हुएंगे जो कि इस उम्र में लगभग ही सभी स्कूल में और मोहल्ले में झगड़े होते हैं। ना वो नशा करता था, ना नशे से उसका दूर दूर तक कोई रिलेशन था। अगर नशा भी करता होगा तो ज़रूरी थोड़ी नशा करने वालों का मतलब मर्डर ही किया जाए। वही मैं कहना चाहता हूँ कि मर्डर करना एक अपराध ऐसा है कि हमारे जो दीन में, इस्लाम में, मतलब आपने किसी का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल माना जाता है, ये हमारे मज़हब में। और कत्ल करने वाला कौन है? मुसलमान, ईमान वाला। कत्ल होने वाला कौन है? वो भी ईमान वाला। हम लोग आए दिन हिंदू मुस्लिम के झगड़े देखते हैं बड़े बड़े चैनल में, लेकिन हमारा जो मोहल्ला है, जो हमारा इलाका है, वो सभी मुस्लिम इलाका है, गरीब लोगों का है। तो गरीब लोग जो हैं वो तो संघर्ष करके ही दो रोटी कमाते हैं। रिक्शा चालक हो गए, टैक्सी वाले हो गए, यूनियंस, मतलब कई नौकरी पे जाते हैं तो उनकी घर के चूल्हे जलते हैं। उनके माइंड में जो मर्डर करने का जो सबसे बड़ा ये आता है, प्लान आता है, वो मेरे को तो मेरे दिमाग से बाहर है। वो गरीब आदमी प्लान कर ही नहीं सकता है किसी को जान से मारने। मेरा जी, ये कितने दिन की होगी, मतलब ये भूख हड़ताल? दिन तो पता नहीं है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हड़ताल ऐसा जुमला बन के तो नहीं रह जाएगा, या फिर इसका नशा थमने के बाद ही रुकेगा ये हड़ताल? देखिए, जितने सारे लोग बैठ रहे हैं, एक जिम्मेदार लोग है, आसमा मैडम है, एक्स कॉर्पोरेटर है, आतिक भी हैं, सोशल वर्कर हैं, सर हैं, मैं हूँ, और जितने भी जुड़े हैं। तो ये बेमुद्दत है, और जब तक नशा गोवंडी से ख़त्म नहीं किया जाने की पूरी कोशिश की जाएगी, हमको लगेगा नहीं कि नशा ख़त्म करने का ये लोग कोई भी एक्शन इनिशिएटिव नहीं ले रहे, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, चाहे हमारी जान रहे ना रहे, हम हमारी कौम को बचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जो बच्चा गया है वो मेरे बेहद करीबी बच्चा है, और ऐसे कई बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। और वही मैं कहना चाहता हूँ, क्या पता कितनी माँ के गोद उजड़े हैं, कब लोग जागेंगे, पॉलिटिशियन कब उठेंगे? जिम्मेदारी आमदार की भी है, जिम्मेदारी खासदार की भी है, जिम्मेदारी पुलिस की भी है, जिम्मेदारी कॉरपोरेटर्स की सबसे ज़्यादा होती, एमएलए से ज़्यादा। मेरा जी, जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, हाँ, कि हम लोग देख के नज़रअंदाज करें। कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी होती कि हर चीज़ प्रशासन तक पहुँचाए, क्योंकि वो वार्ड में घूमते हैं। अब रही बात, मैं उसी पार्टी से हूँ, समाजवादी पार्टी से, लेकिन मुझे दर्द ज़्यादा है। किसी को दर्द हो सकता है कम हो ज़्यादा, लेकिन मुझे ज़्यादा है। पार्टी का एक अलग मामला है, पार्टी में अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। मेरा यही कहना है कि सारे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, अदर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, सारे लोगों को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए, गोवंडी के लोगों के लिए काम करना चाहिए, हमारी बस्ती के लिए काम करना चाहिए। हमारे मुसलमान कौम के जो हाथ में पूड़ी थमाया गया है, इसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए, और सरकार को किस तरह से आईना दिखाना चाहिए, ये सोशल वर्क ही कर सकते। सोशल वर्कर जिनके दिल में दर्द है वही कर सकता है, बाकी हर किसी की बस की बात नहीं है। साथ देंगे, हम वेलकम करते सबका, लेकिन नहीं देंगे तो हम उठेंगे नहीं जब तक के हमारे यहाँ बदलाव होगा नहीं। हमारे साथ में आसिफ सर भी मौजूद है। आसिफ सर से हम जानना चाहेंगे, ये जो भूख हड़ताल है ये किस वजह से रखी गई है और ये कब तक के रहेगी? ये भूख हड़ताल जो है सबको पता है रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इसे पहले कई कंप्लेंट्स किए हैं, देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज़, कोई एक पहला ये बच्चा नहीं है जिसका मर्डर हुआ, इससे पहले कई ऐसे मर्डर हो चुके हैं। सब में बड़ी चीज़, आपका एक सवाल था, आपने आसमा मैडम से पूछा, आतिक सर से पूछा, अदर एरिया में जो नॉन मुस्लिम एरिया का है वहाँ कुछ नहीं मिलता है, तो हम अदर इलाके में नहीं जाते हैं, हम गोवंडी ईस्ट एंड वेस्ट की बात करते हैं। गोवंडी स्टेशन के आप उस साइड चले जाए, पान की दुकान पे एक सिगर गुटखा तक नहीं मिलता, फिर हमारे मानपुर शिवाजी नगर के अंदर ही क्यों मिलते हैं? मेरा भी वही सवाल, क्या हमारा ईस्ट गोवंडी ईस्ट एंड वेस्ट के अलग अलग कानून है क्या? वहाँ नहीं मिलता तो फिर यहाँ पर क्यों मिलता है? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो है, हमारे एमएलए हो गए, यहाँ जो पुलिस है, जो उसके जिम्मेदार है, अगर ये चाहे तो एक पंछी पर नहीं मार सकता है। आज एकदम ओपन बिकता है, जैसे सब्जी जैसे धंधा होता है ना जगह जगह, वैसा चल रहा है। ये तो पूरी नस्लों को तबाह करने का ठेका लेकर के रखा है।
अगर ठेका नहीं लिया होता तो गोंडी वेस्ट में कुछ नहीं मिलता था। आज आप पहुँच ले जाइए पान की दुकान पे शिखर गुटखा तक नहीं मिलेगा। हमारे इधर सारी नस्ली चीज़ें ओपन हर जगह जगह पे कैसे बिक रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार शासन प्रशासन है हमारे। मैं तो मानता हूँ, मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, हमारे MLA साहब है, अगर वो चाह लेते तो 15 सालों में इनकी अभी तक चेंज हो जाती हमारा एरिया। आज हम जिस हाल से गुजर रहे, हमारे बच्चे के हाथ में पेन होना चाहिए। लेकिन आसिफ सर, कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि जैसे कि जिस गली जिस मोहल्ले में बिकता हूँ वहाँ के आजू बाजू वाले भी नज़रअंदाज करते हैं और डरते हैं पुलिस को ना कंप्लेन करते हुए भी आप किसी और पे आप आंचल लगा रहे हैं, इसमें बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भी यहीं रहता हूँ, मुझे जो चीज़ें देख रहा था, मैंने जो कंप्लेन किया था, जो मैं भूख हड़ताल का जो मैंने डिसीजन लिया था ये 8 तारीख को लिया हूँ, मर्डर 10 को हुआ है, तो इससे पहले हमारे प्रिपेयर है क्योंकि हमने कंप्लेन किया पुलिस पे एक्शन नहीं ले रही थी, तो हमने ये प्लान किया नहीं हम भूख हड़ताल पे बैठे। मतलब ये जो भूख हड़ताल का जो आपका मेमोरेंडम है बहुत पहले से चल रहा है आप लोग का? हमने ऑलरेडी डिस्पैच किया था, मर्डर 10 को हुआ है, क्योंकि हम इस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, हम चाह रहे थे नशा बंद हो, बट यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सारी मतलब तैयारी के दौरान एक मर्डर हुआ तो आप लोग को और मतलब और ज़्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि इससे पहले भी हमने पुलिस स्टेशन के बाहर बॉडी रख के हमने प्रोटेस्ट किया था। जो यहाँ मर्डर हुआ था रोड पे हम लोग बैठे थे, ये पुलिस बेट के पास में ब्लॉक किया था रोड हमने, लेकिन उस वक्त भी सिर्फ आश्वासन दिया गया था हाँ नशे को बंद किया जाएगा, बट हुआ क्या? कुछ नहीं। आज उससे कहीं ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया है नहीं, हमें इसके खिलाफ जोरों शोर से उतरना पड़ेगा, जब तक यहाँ से नशा बंद नहीं होगा हम लोग हड़ताल से हटने वाले नहीं है। तो सर ये यहाँ के जो लोग है, यहाँ के जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के मैसेज? आज हमारी नस्लें तबाह है सर, छोटे छोटे बच्चों को आप सुबह उठेंगे ना तो उनके हाथ में सिगरेट होते हैं, वो स्कूल घर से तो निकलते हैं लेकिन स्कूल तक पहुँचते भी हैं क्या, क्योंकि उनको छोटे छोटे बच्चों को आदत लगाई जा रही है, आज नस्लों को तबाह करने का ठेका लिया गया है। ये थे समाज सेवक आसिफ जी, जिनका कहना है कि जब तक के नशा थमेगा नहीं तब तक हमारा भूख हड़ताल कम नहीं होगा। महरी से न्यूज़ प्लस मुंबई।